आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट गुड़ की डली, हर सुबह एक मीठी बात। नमस्कार, मैं हूं संदर्शिका अवस्थी और आज की मीठी बात जुड़ी है छत्तीसगढ़ से। वैसे तो चाय के बागान की बात सुनते ही पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग से लेकर असम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों की तस्वीर ही जहन में आती है। देश में चाय खासकर ग्रीन टी की खेती का दायरा समय के साथ बढ़ रहा है, इसमें अब छत्तीसगढ़ भी शामिल हो गया है। छत्तीसगढ़ में चाय की खेती का अंकुरण 2010 में जशपुर जिले से हुआ था। राज्य के नव नियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का गृह जनपद जशपुर सिर्फ 12 साल के अंदर ही छत्तीसगढ़ का पहला टी प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट बन गया है। हालांकि जशपुर में अभी सिर्फ 7 एकड़ में ही चाय की खेती का सफल मॉडल विकसित हुआ है, मगर दुनिया भर में ग्रीन टी के मुख्य गढ़ माने जाने वाले चीन और जापान में जशपुर की ग्रीन टी का डंका बजने से अब छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए चाय की खेती के रास्ते खुल गए हैं। जशपुर जिले में चाय की खेती के शुरुआती परिणाम बेहतर मिलने के बाद सोंगड़ा में एक प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की गई। अत्याधुनिक तकनीक से लैस यहां की टी लीफ प्रोसेसिंग यूनिट को लगाने में करीब 40 लाख रुपए की लागत आई है। सोगड़ा में सर्वेश्वरी आश्रम के संत गुरुपद संभव बाबा हजारी बाग से चाय के पौधे लाए थे। इन पौधों को लगाने का प्रयोग सफल होने पर आश्रम की 7 एकड़ जमीन में चाय का बाग लगाया गया था। आश्रम में चाय की खेती का सफल मॉडल बनने के बाद अब गांव में चाय की खेती का रकबा 20 एकड़ से ज्यादा हो चुका है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से जशपुर, मनोरा और बगीचा तहसील में 85 एकड़ से ज्यादा जमीन पर चाय की खेती होने लगी है। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। ऐसी ही अच्छी और काम की खबरों के लिए सुनते रहिए हमारा ये खास पॉडकास्ट गुड़ की डली।